बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ के बाद से ही विपक्ष में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। चिराग पासवान जहां अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश में हैं, तो वहीं दूसरी पार्टियां चिराग को अपने पाले में कर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच जब तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया और सरकार गिरने की बात कही, उसके बाद से तमाम पार्टियां उस पर रिएक्शन देने लगी हैं और अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी इस बयानबाजी में उतर गए हैं। पूर्व सीएम ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है, क्या कहा मांझी ने जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग के तेजस्वी के साथ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दलित वोटर अकेले चिराग के साथ हैं। उनके पिता का जो जनाधार रहा है उसमें से पशुपति पारस के साथ भी कई लोग जाएंगे। मांझी का साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी वोट बैंक के लिए भले ही चिराग को राजद में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिराग के साथ ही पूरा वोट बैंक नहीं आएगा। चाचा भतीजे के बीच बंटवारे के साथ ही वोट में भी बंटवारा हो जाएगा और राजद को कोई भी फायदा इससे नहीं होगा। तेजस्वी यादव के 2-3 महीने में बिहार सरकार गिरने के दावे को मांझी ने खारिज कर दिया। मांझी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की कोई जमीन नहीं है, जितना जनसंपर्क होना चाहिए वे नहीं बना पाए हैं। चिराग तो अपने पिता की विरासत पर है, उन्होंने अपने जीवन काल में ही चिराग को अध्यक्ष बनाया। केवल रामविलास पासवान की जयंती मनाने से वोट नहीं चला जाएगा। तेजस्वी के साथ जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग ने अपने आप को हनुमान और नरेंद्र मोदी को भगवान कहा था। इस भ्रम में आकर कुछ लोगों ने उन्हें वोट दिया था और उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया था, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि वो सारी बातें चिराग पासवान का छलावा थी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।